दोस्तों, अभी हमने कल एक पेशेंट देखा था। वो काफ़ी लंबे टाइम उन्होंने फोर प्ले किया, करीब 2 घंटे लगे रहे। अपनी वाइफ को पूरा उन्होंने संतुष्ट किया, लेकिन जब मेन सेक्स के लिए नीचे गए, जब उन्हें अपना लिंग को योनि में डालने की कोशिश की, तो लिंग ढीला हो गया। उससे पहले कभी हैंड प्रैक्टिस करते थे, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्वेश्चन उठता कि आखिर वो ढीला क्यों हो गया। तो आप सब जान लीजिए, अगर आप बहुत लंबे समय तक आप फोर प्ले करेंगे, यानी कि सेक्स से पहले स्त्री को पूरा आप पे टॉप से बॉटम टच करेंगे, उसको करेंगे और बहुत ज़्यादा देर करेंगे। नॉर्मली फोर प्ले होना चाहिए 20 मिनट का। आप लिप किसिंग है, चेस्ट टचिंग है, अदर पार्ट है, 20 मिनट से ज़्यादा आप नहीं करना चाहिए। बहुत प्रोलॉन्ग करेंगे तो ये तो क्या होता है कि हमारा जो लिंग होता है, ये काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। दूसरा, जितना लंबा सेक्स करेंगे, आपका एक्साइटेशन बिल्डअप होता जाएगा, और उससे कभी आप पेनिट्रेट करेंगे तो आपको शीघ्र पतन का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपको काफ़ी देर तक, मोर देन 20 मिनट आप हैंड प्रैक्टिस ये फोर प्ले ना करें। अगर ज़्यादा फोर प्ले करेंगे तो आप रियल सेक्स में या तो आप शीघ्र पतन हो सकता है या लिंग में कड़ापन कमी हो सकती है। इसलिए 20 मिनट फोर प्ले स्त्री को संतुष्ट करने के लिए काफ़ी होता है। तो आई होप इस नॉलेज मिले कि फोर प्ले जरूरी चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं ना बहुत कम। आप इनफ करिए, दैट इज 15-20 मिनट काफ़ी होता है।